नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपी के चुनाव आने वाले हैं, महायुद्ध होने वाला है और इसे देश का सेमीफाइनल भी बोला जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होके गुजरता है। कई पार्टियां अपनी किस्मत अजमाने वाली है और मेन फाइट और सबसे बड़ी फाइट माना जाए तो भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस बसपा मानी जा रही है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां सरकारों में रह चुकी है। किसी की चार बार, किसी की दो बार, किसी की तीन बार सरकारें रह चुकी है यूपी के अंदर। भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है हिंदूकरण की वजह से, और जिस प्रकार से योगी की छवि बनी हुई है हिंदुओं के बीच में कट्टरवाद की, उस वजह से बसपा के पास दलित वोट बैंक है। पिछड़ों को साधने की कोशिश, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट मांगा जाता है, माना जाता है कि उसको मुस्लिम पूरा वोट देता है और पिछड़ों का वोट माना जाता है। तीनों ही मजबूत स्थिति में है, और कई और छोटी पार्टियां भी है, आदर्श समाज पार्टी है, फिर ओवैसी जी की पार्टी है, निषाद पार्टी है, कई सारी पार्टियां हैं। दोस्तों बसपा से अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, या फिर आप लोग जानना चाहते हैं कि बसपा से चुनाव लड़ने के लिए क्या करना होगा, तो बस आज आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। बसपा ने एक नई स्कीम निकाली है, नई पॉलिसी निकाली है नए आवेदन के लिए कि कौन लड़ सकता है बसपा से चुनाव, तो आइए आपको बताता हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों बसपा ने इस बार कुछ नया किया है अपनी छवि सुधारने के लिए, और बेदाग जो कैंडिडेट है उनको विधानसभा में उतारने के लिए और अपनी पार्टी की छवि अच्छी करने के लिए एक नया प्रोफार्मा बनाया है। ये कह लीजिए एक नई प्रोफाइल बनाई जा रही है जो कैंडिडेट होंगे उनकी, और उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नोटिस करेगी बसपा, और एक जिला कमेटी भी बनाई है, हर जिले में एक कमेटी बनाई है इस प्रोफाइल को देखने के लिए, इस आवेदन को देखने के लिए। और वो कमेटी फिर जो पूरा बायोडाटा होगा कैंडिडेट का वो ऊपर भेजेगी कार्यकारिणी के पास, फिर वहां से डिसाइड होगा कि इस बंदे को टिकट देना है या नहीं देना है। तो क्या है वो प्रोफार्मा, आइए आपको मैं बताता हूँ। बसपा ने एक प्रोफार्मा बनाया है कि एक बसपा का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, उसके पास क्या काबिलियत होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आइए आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। तो दोस्तों आवेदन को अपना जो आवेदक होगा उसको अपना जो भी चुनाव लड़ना चाहता है बसपा से उसको पूरा बायोडाटा देना होगा। उसके बाद दोस्तों उसको अपनी खूबियां बतानी होगी कि उस व्यक्ति के अंदर क्या खूबियां है और क्या कमियां हैं, समाज के लिए उसने क्या किया, बहुजन समाज से है, किसी भी समाज से है, या भारतीय समाज के लिए उसने क्या किया, क्या उसका योगदान है अभी तक, ये उसे बताना होगा। उसके बाद दोस्तों बसपा का जो मिशन है, बसपा कोई पार्टी नहीं है, हमें मायावती जी बोलती है, वो एक मिशन है, तो उस मिशन में उसका क्या योगदान है, क्या उस मिशन के लिए उसने अभी तक किया है इतने सालों में या जब से वो जुड़ा है तब से, वो सब उसको उस फॉर्मा में या आवेदन में बताना होगा। कितने वर्षों की राजनीति का उसको एक्सपीरियंस है, कितने वर्षों से वो राजनीतिक कार्य कर रहा है और क्या उसको एक्सपीरियंस है, और क्या उसने अचीव किया है, क्या पाया है, किस मुकाम तक वो गया है, और क्या उसका ऊपर कोई दाग तो नहीं है, बसपा से जुड़ाव, बसपा से उसका कितना जुड़ाव है। ऐसा तो नहीं है भाई कि चुनाव आते तो बसपा में आ जाता है फिर निकल के सपा में, फिर भाजपा में, या फिर बसपा में रहते हुए किस गलत गतिविधियों में रहता है, ये सारी बातें उसको बतानी होगी, और इसके लिए एक जांच कमेटी भी है शायद। और दोस्तों राजनीतिक विधानसभा, जिस विधानसभा से वो राजनीति करने वाला है या जिसके लिए भी वो आवेदन भर रहा है, उस विधानसभा में उसने कितना कार्य किया है और उस पूरे कार्यों का ब्यौरा उसको देना होगा, और उस विधानसभा से उसका कितना लगाव है और कितने वर्षों से वो कार्य कर रहा है, ये सब चीज उसको बतानी होगी। उसका पेशा, उसका जो भी कार्य है, जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे भी वो कमाता है, वो सारा ब्यौरा उसको उस फॉर्म में देना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वहां किए गए कार्यों का ब्यौरा आदि, यानी कि आपने क्या अभी चुनाव हो रहे हैं तो क्या अभी आप 10 दिन पहले जाकर वहाँ पर कोई कार्य तो नहीं कर रहे, या फिर पिछले 5-10 सालों से कार्य कर रहे हैं, सारी बातें उसको बतानी होगी। और इसके लिए एक जांच कमेटी भी है कि भाई बंदा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये सब कुछ जांच किया जाएगा और फिर सारी चीज़ें ऊपर भेजी जाएगी। और एक बात और है, बसपा ने यह भी कहा है अगर कोई कैंडिडेट बसपा के लिए दिल जान मन से काम कर रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसका चुनावी खर्च भी बसपा उठाएगी, और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि एक नई
तरीके से मायावती जी कह लीजिए या बसपा ने कैंडिडेट को चुनने के लिए प्रोफार्मा बनाया है, एक आवेदन के लिए कुछ शर्तें रखी है, ये एक अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और क्या आप भी कोई प्रोफार्मा भरने वाले हैं बसपा के चुनाव के लिए? मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए भारत दस्तक।